कि अगर आपको लगता है कि ये कांग्रेस बेट है, मोदी जी का फोटो लगाओ, येडियुरप्पा जी का फोटो लगाओ, पूरा जो है केसरीकरण कर देंगे आपके लिए, सैफरन का रंग कर देंगे, पर आप लो बीजेपी सरकार रखे, बीजेपी सरकार रखे, बीजेपी सरकार रखे। जब हम टॉप 20 पे भी नहीं थे, अभी पूरा वर्ल्ड में हम टॉप 3 में हो गए, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ऑपोजिशन है जिम्मेदार इसका, तो सिर्फ हम ताली बजाते जाएंगे। ऑलरेडी 2000 करोड़ भ्रष्टाचार कोरोना का हो गया, करप्शन हो गया है इधर। ये इन्फेक्शन जो है सिर्फ लोगों को नहीं है, ये करप्शन का इन्फेक्शन सरकार को लगा है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स खड़गे साहब, डीके सुकुमार साहब, बेंगलुरु से, दोडबड़ापुर से ऐसे कॉरुगेटेड बेड्स जो है, ऑर्गेनिक बेड्स है, वाटर रेसिस्टेंट बेड्स जो है, हमारे गुलबर्ग के लिए भेजे हैं। 650 बेड भेजे थे, 100 बेड रायचूर में देके, 550 बेड अभी भी कलबुर्गी में है। हमारा रिक्वेस्ट सरकार से ये था कि हर तालुके में और खासकर सिटी में कोविड केयर सेंटर्स ओपन कीजिए, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए और असिम्टोमेटिक पेशेंट, माइल्ड सिम्टम्स और असिम्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए। तब क्या होता है, ऐसे कोविड केयर सेंटर्स हर जगह हम किए, 100 बेड 50 बेड किए, तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हज़ारों लोग इधर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके रहते हैं। पर पता है नहीं क्या सियासत चल रहा है कलबुर्गी में कि ये बेड मत लो, ये कांग्रेस का बेड होता, सरकार को शर्मिंदा होता है बेड लेने से करके बोल रहे हैं। मेरा ये सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर आपको लगता है कि ये कांग्रेस बेड है, मोदी जी का फोटो लगाओ, येडियुरप्पा जी का फोटो लगाओ, पूरा जो है केसरीकरण कर देंगे आपके लिए, सैफरन का रंग कर देंगे, पर आप लो ये बेड लेकर कलबुर्गी में जो बेड नहीं मिल रहे का कंप्लेंट्स है, उसका थोड़ा बहुत तो उस पर मलम लगाओ। ये कांग्रेस बेड नहीं है, ये कलबुर्गी के लोगों के लिए है, तो कलबुर्गी के लोगों के लिए कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी पूरी करो करके हमारी मांग है। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है सीएम येडियुरप्पा का, और वो एनिवर्सरी मनाने में बिजी है, इसके बारे में आपका क्या? नहीं, ऑलरेडी 6-7 बार मीटिंग हुआ है प्राइवेट सेक्टर के साथ करके बोल रहे हैं, बट प्राइवेट सेक्टर इनके बात मानने के तैयार नहीं है, क्योंकि उन पर कोई भी दबाव नहीं डाला जा रहा है। उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है पता नहीं, ना हेल्थ मिनिस्टर उनको समझा पा रहे हैं, ना मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर समझा पा रहे हैं, खुद येडियुरप्पा जी उनको समझा भी नहीं पा रहे और खुद नहीं समझ रहे क्या हो रहा है। तो ये जो कोरोना का मामला है उनको एक जरिया बन गया है कि गरीबों का हक जो है उसको बदल के उससे जितना हो सके उतना भ्रष्टाचार करें। ऑलरेडी 2000 करोड़ भ्रष्टाचार कोरोना का हो गया, करप्शन हो गया है इधर। ये इन्फेक्शन जो है सिर्फ लोगों को नहीं है, ये करप्शन का इन्फेक्शन सरकार को लगा है। ताली बजाओ, फूल फेंको, दिए जलाओ, 21 दिन में ये पूरा ख़त्म कर दूंगा करके मोदी जी बोले थे, अभी 150 दिन हो गए, अभी उनको राइट हैंड लेफ्ट हैंड को भी हो गया, अभी लोग क्या करना, क्या संदेश है? जब हम टॉप 20 पे भी नहीं थे, अभी पूरा वर्ल्ड में हम टॉप 3 में हो गए, तो इसके जिम्मेदार कौन है? ऑपोजिशन है जिम्मेदार इसका, तो सिर्फ हम ताली बजाते जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो नजर नहीं आ रहे हैं कहीं भी? अगर वो मिलेंगे तो पूछ सकते हैं, जब आपको भी मिले तो आप पूछिए, मुझको मिले तो मैं पूछूंगा। जिस तरफ से केसेस पूरे कर्नाटक देश में और खासकर कलबुर्गी में बढ़ रहा है, पूरे लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो टेक है तो तुरंत हेल्थ ऑफिशियल्स को इत्तला कीजिए, फैमिली डॉक्टर को इत्तला कीजिए, और इसमें जो सरकार का गाइडलाइंस है उसका सही तरीके से पालन करेंगे तो हम सब लोग ठीक रहेंगे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आचार्य पीयू कॉलेज, केबीएन यूनिवर्सिटी, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री, एमएम पीयू कॉलेज एंड बाय ऑबस इंटरनेशनल स्कूल।